इस फिल्म में रजनीकांत एक रिटायर्ड जेलर है जिनका बेटा पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक ACP है। उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन एक दिन उनका बेटा गायब हो जाता है। अब रजनीकांत जब उसे ढूंढने निकलते हैं तो पता चलता है कि उसका मर्डर हो चुका है और फिर रजनीकांत बदला लेने के लिए उस मर्डरर को मार देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म होने के बजाय शुरू हो जाती है क्योंकि इसके बाद रजनीकांत के पोते पर हमला होता है और एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी जी रहे रजनीकांत को अपने पुराने रूप में वापिस आना पड़ता है। अब वो रूप क्या है और रजनीकांत किस तरह से इन सब का खात्मा करते हैं, यही सब इस फिल्म में देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले तो फिल्म की कहानी की बात करूं तो आपको ये कॉमन स्टोरी लगेगी लेकिन इसमें कुछ मॉडिफायर्स और ट्विस्ट नए देखने को मिलेंगे और क्लाइमेक्स भी अच्छा है तो आपको कहानी से कोई शिकायत नहीं होगी। बाकी फिल्म फटाफट अपने मेन प्लॉट पर आ जाती है और शुरू से ही एंगेजिंग होकर चलती है, बस बीच में आधे घंटे के लिए स्लो हो जाती है। हालांकि इस टाइम में भी कहानी रहती अपने मेन प्लॉट पर ही है पर एक ड्रामा बन जाती है और उसके बाद फिल्म अपने एक्शन मोड में वापस आ जाती है। हाँ, इसमें 40-40 गुंडों को हवा में उछाल देने वाला एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा पर जो भी एक्शन है वो देखने में अच्छा लगता है और इस तरह का है कि ऑलमोस्ट सभी को पसंद आएगा। इसके अलावा फिल्म में कुछ कैमियो और एक्सटेंडेड कैमियो भी देखने को मिलेंगे और फिल्म को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है। अब वैसे तो इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है लेकिन एक दो करेक्टर की वॉइस उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल बोने करेक्टर की आवाज़, आप जब फिल्म देखोगे तो खुद समझ जाओगे। ओवरऑल बात करूँ, थोड़ा सा फैमिली ड्रामा, कुछ इमोशनल मोमेंट्स और बहुत सारा एक्शन समेटे ये फिल्म एक अच्छा टाइम पास कर देगी और 2 घंटे 50 मिनट की लेंथ होने के बावजूद भी आपको ये फिल्म लंबी नहीं लगेगी।